हे गाइस नमस्ते सलाम सत श्री अकाल कीम जदो। अब तक भाई मैंने इस अकाउंट से रॉयल बैटल खेला ही नहीं, तभी मैंने एक भी अपलोड भी नहीं किया वीडियो। तो भाई आज ये फर्स्ट रॉयल बैटल में खेलने जा रहा हूँ यार, सब कुछ भूल चुका हूँ मैं। पहले सनमून में खेला करता था, अब यहाँ पे खेल रहा हूँ। अरे ये ग्रीन वाला पार्ट ज़्यादा क्यों, वो लोग पार्टी है क्या, पता नहीं। और राइट भाई यहाँ पे अब सबसे बड़ी परेशानी पता ये होती है कि सब लोग अगर तुम्हें टारगेट कर ले तो तुम्हारी पिटाई चालू हो जाती है। देखो मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, अगर मेरा कोई दुश्मन वैसे दुश्मन है भी नहीं। ऑल राइट तो मैं यहाँ पे अब कोशिश में हूँ कि यार किसी तरह से नंबर वन अचीव कर पाऊँ, लेकिन यार सच में मैं भूल चुका हूँ लिटरली कि कैसे खेलते थे, मतलब किसको पिटाई कर रहा है। मुझे बस इतना पता है कि यार जो मेरे अगेंस्ट होगा मैं उसे पिट दूंगा, और भाई ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होगा। और मैं यहाँ पे ना जानने की कोशिश कर रहा कि यार कौन मुझे मारना चाहता है। ऑल राइट तो भाई यहाँ पे मैंने देखा प्रोटेक्ट करके कि भाई किसी ने मुझ पर अटैक तो नहीं किया, एक ने स्पेशल सॉरी अटैक प्लस किया, एक ने ज्यूम जो है उसके ऊपर यूज़ किया तीन नंबर वाले पे, ग्रीन वाले पे, हाँ तो वो बेचारा मारा गया। भाई मेरा कुछ नहीं है, मतलब मैं किसी से दुश्मनी वगैरह नहीं चाहता। मैं राइट हैंड साइड से चालू करूँगा पिटाई करना, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से, और मैं गोल गोल पिटाई करूँगा सबका, ठीक है, और जिसको भी पिट सकूँ ठीक है, नहीं तो बाकी सब लोग मुझे पिटने लगे तो बात अलग होगी। डूड एक चीज़ तुम नोटिस करते हो कि वो डार्क राय वाला जो है ना, वो उसको उसके पीछे पड़ा हुआ, लाइक पालकिया वाले जो प्लेयर है ना उसके पीछे पड़ा हुआ, तब से उसी कोई पिटाई कर रहा। और ये जो लुकारियो वाला है ये तब से अपना अटैक है जो वो प्लस करे जा रहा। और डूड एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस किया कि ये डार्क टाइप लुकारियो है, ठीक है, और इसको कोई पिटाई कर ही नहीं रहा, मतलब इसको कोई नहीं मार रहा है और ये अपना अटैक प्लस किया जा रहा। और मेरे अगेंस्ट डार्क टाइप पोकेमॉन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में ये पोकेमोन मेरे को भाई परेशान कर सकता है। भाई मैंने ना रूल के हिसाब से इसे बस एक अपना जीवू सॉरी आटू मारा था, तो 1 HP बचा हुआ है, तब वो मुझ पे अटैक करना चालू कर दिया वो पालकिया वाले को छोड़कर। तो मैं एक काम करता हूँ यार, मेरे ख्याल से ना यहाँ पे बचने का कोई उपाय नहीं इसके डार्क राय से, क्योंकि वो मुझे बार बार मारे जा रहा। भाई कोई उसे मारो भाई, डार्क राय को कोई मार ही नहीं रहा, सब अपने अपने में लगे, ये अटैक प्लस 6 करके बैठा हुआ है बोझ कहीं का, और ये मुझे स्लिप में डाल चुका, और वो साला पालकिया वाला वो भी सोया हुआ है यार। ये नहीं कि वो पोकेमोन चेंज करके उसे मारे, ये देखो मुझे लगा ही था भाई कि ये पक्का मुझे मारेगा अटैक प्लस 6 करके। क्या दुश्मन ये भाई, यहाँ बताओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें भी पिटाई करो, हम मेरी भी पिटाई कर लो, ऐसा बात नहीं है कि मुझे मत मारो, मारो लेकिन यार थोड़ा मोटा करके मारो, इतना मत मारो कि मैं मर ही जाऊँ। तो वो पोकेमोन चेंज कर रहा, अच्छा पालकिया आया। भाई मुझे तो लगता है ना यार सर्दी हो गया, रात में गर्मी भी लगती है और ठंडी भी, समझ में नहीं आता क्या करूं, तो पंखा चला के रात में सो ही जाता हूं, इसलिए भाई अभी सर्दी लग गई है, कॉल बाइक नहीं। तो भाई ये मुझे ऐसा लगा था ना कि ये पालकिया जो है ना वो मुझ पे अपने जीमू यूज़ करने वाला, बिकॉज वाटर इम्पैक्ट तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा लगा ही था वो मेरे को टपकाने का सुपारी ले लिया है। तो मैं यहाँ पे अपना माउली ले आता हूँ ताकि भाई उसका जीमू जो है वो वेस्ट हो जाए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखो मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही था, लेकिन हाँ उसका अटैक तो प्लस हो चुका है, उसका वाटर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो मैं यहाँ पे अब सोच रहा था कि अरे एक जिमू मार दूँ, क्योंकि मेरा टर्न तो आया वही है, लेकिन मैं किसको पिटाई करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। ये लुकारियो को मारूँ, ये पालकिया को मारूँ, ये भी मेरे पीछे लगा हो, हाँ लेकिन ये सामने वाला बंदा नंबर 4 ये नहीं लगा हुआ था। तो मैंने लुकारियो को भाई अपना जिमू दे दिया, लेकिन मेरे ख्याल से मैं नहीं बचने वाला यहाँ पे, क्योंकि लुकारियो भी मुझे मारने वाला है। और अच्छा किया भाई पालकिया तुमने यार, उसके पालकिया को मार के 4 नंबर पालकिया ने मारा उसको, नंबर 1 वाले पालकिया को, ठीक किया भाई, मारा जा रहा था मुझे। और ये लुकारियो बचा हुआ भाई, ये तब से बैटल के अंदर मतलब खाली खड़ा होकर देख रहा तमाशा, और क्योगर आया इसका, ठीक है अच्छा मैं रेस्ट यूज़ कर पाया, मुझे कुछ तो कर नहीं पाया ये डूड। यहाँ पे तुम्हें किल चाहिए होता है, ठीक है, अगर तुम्हारा 3 पोकेमोन्स बचे हुए हैं लेकिन किल नहीं है तो भाई कुछ तुम नंबर 1 पर नहीं आ सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ इसका डाकरा ही बचा हुआ है भाई, कोई इसका डाकरा को मार दो बे भाई, उसने मार दिया, फायदा उठा लिया भाई रेडबुल ने, उस पर रेडबुल पता है उस पर एक बार भी अटैक नहीं कर रहा था, अभी लास्ट वाला अटैक उसने करके शायद ले लिया। ऑल राइट मैं 3 नंबर पे हूँ बे, चलो कोई बात नहीं, देखते नेक्स्ट वाले मैच में। भाई मुझे समझ में आ गया यहाँ पे कौन सा पोकेमोन मांगता है, मैं लुकारियो के ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेव गाइड चाहिए, क्योंकि डार्क राय अगर आ जाने से परेशान। भाई रॉयल बैटल में वैसे डार्क राय का क्या काम, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब डार्क राय यहाँ पे उतना कुछ इफेक्टिव होगा, सुला कर क्या ही कर लोगे तुम, आई डोंट नो, शायद परेशान करने के लिए लोग यूज़ करते हैं, सब अपना अपना ओपिनियन है, सबका गेम खेलने का तरीका है, मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहूँगा कि वो मत लाए, वो ला सकता है, बस ये मैं पूछ रहा था कि यार यहाँ पे तो फुल फाइटिंग चलता है, मतलब मार धार मज़ा आता है, ठीक है। तो ये रहा पालकिया और एक आया, ये रहा रेडबुल, वही बंदा फिर से आया, मुझे लगता है ये लोग टारगेट करेगा मुझे, तो मैं ना यहाँ पे ना फुल अटैकिंग खेल लूँगा, मतलब किसी को भाई स्टेलिंग वगैरह से मतलब नहीं है यहाँ वैसे भी, तो प्रोटेक्ट मैं यूज़ नहीं करने वाला, मुझे पता है कि शायद यहाँ पे कोई मुझे अटैक करेगा, कोई ठीक नहीं है भाई, पिटाई कर ही सकता है। तो मैं यहाँ पे जी मूव पहले वाले अपने राइट हैंड साइड वाले गाचों पे देता हूँ, उसके बाद दूसरा जी मूव दूंगा पालकिया पे, क्योंकि देखो पालकिया पे पहले मैं यूज़ करता था, प्रेसिबिलिटी की वजह से मैं दोनों जी मूव यूज़
हो सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मैंने गाचम को मार दिया, एक पालकिया को मारूंगा और तीसरा वाला सोच रहा हूँ आर2 मूव मैं इसके लुकारियो को मार दूँ ताकि इन तीनों का किल मुझे मिल जाए, तीन तीन किल। लेकिन यहाँ पे कुछ और होने वाला है क्योंकि बंदे लोग अब है गुस्सा, क्योंकि ये दोनों बंदे को जो मैंने मारा है ये लोग गुस्सा में, ये दोनों मुझे ही पिटाई करेंगे। यार ऐसा मत करो बे। अच्छा ये ज़ाइग्रेड आया इसका, ओ माय गॉश ज़ाइग्रेड ये परेशानी देगा बे मुझे। ज़ाइग्रेड को मैं मार सकता हूँ लेकिन मेरे एल्गोरिदम के हिसाब से मुझे अभी लुकारियो को मारना चाहिए तो मैं उसे ही मारूंगा। और भाई साहब ज़ाइग्रेड का कुछ असर ज़्यादा नहीं हुआ, ऑफकोर्स नॉन इफेक्टिव था, तो भाई मेरे हिसाब से मैंने सही किया, तीनों को मैंने इक्वली मारा पिटाई किया है। अगर मैं अपना आर2 मूव यूज़ करता ना ज़ाइग्रेड पे तो ये वन शॉट किल हो जाता, लेकिन नहीं किया, रूल के हिसाब से मेरा भी तो कुछ रूल उसे मानना पड़ेगा। भाई मुझे ऐसा लग रहा ना कि मैं सामत में हूँ, मुझे कोई पिटाई करने वाला बहुत तगड़ा वाला। दूर तुम्हें हमेशा रॉयल बैटल में ना दो तरह के लोग मिलेंगे, एक ऐसे लोग जो एक ही बंदे को टारगेट करके खेलेंगे और एक ऐसे लोग जो भाई इक्वली खेलना चाहते हैं लेकिन खेलने दिया नहीं जाता, जैसे कि वो सेकंड वाला मैं हूँ, ठीक है। अब मुझे सब लोग पिटाई कर रहे हैं, ये देखो मैं अपना ग्रोडन लेकर आता हूँ और मेरा ग्रोडन का हालत बहुत ख़राब होने वाला है, वो किस तरह से वो देखना अभी समझ में आ जाएगा। मैं सोच रहा था जीमूव मैं अपना ना एक स्नोलैक्स को दे दूँ ताकि मेरा एक किल सिक्योर हो जाए और मैं शायद अच्छा खासा पॉइंट भी अचीव कर पाऊँ, तो ऐसा ही करता हूँ मैं। किल तो मेरा चार चार हो चुका हुआ है लेकिन शायद से यहाँ पे मेरा पोकेमॉन बचने वाला नहीं है क्योंकि ये दोनों जो है ना म्यूटू ज़ाइग्रेड दोनों मुझे नहीं छोड़ने वाले, देखते क्या होता है। मैं तो यहाँ पे सोच रहा हूँ पोकेमॉन चेंज ही कर लूँ लेकिन नहीं, सोर्डन्स कर लेता हूँ, एक कहीं एक बार भी बच गया तो मैं किसी एक को मार सकूँगा। तो भाई साहब ये तो बल्कअप पे बल्कअप किया जा रहा है म्यूटू, और भाई म्यूटू को भाई ऑलमोस्ट मारे। यार ये क्या ज़ाइग्रेड भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम बताओ, तो इतना अच्छा तो यार सोर्डन्स मैंने यूज़ कर लिया था, एक अटैक करने देते, छोड़ो डाओ ठीक है। ज़िमू मैं सोच रहा हूँ कि किसी एक पे दे दूँ, नहीं उस ओ भाई साहब उसको ग्रोडन आ चुका है बे। चलो ठीक है, यहाँ मेरा पाँच किलो हो चुके हुए, देखते हैं मैं कितने नंबर पे आने वाला हूँ। यार पाँच किल पे यार सारे पकवान्स मेरे मरने नहीं चाहिए। अच्छा भाई अब ग्रोडन आया ना इसका अर्थक्वेक बहुत परेशान करेगा और मैं नहीं चाहता था कि ये हो, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना ही ग्रोडन ले कर आऊँ क्योंकि अगर मैं अपने ग्रोडन से ना थोड़ा सा कुछ कर सकता हूँ। ये भाई मुझे छोड़ ही नहीं रहा ना, तू मार भाई कौन है ते, नाम बता दो यार तेरा, क्या नाम इसका, हाइग्रेड है, हाइग्रेड ओ हिलगर, अबे क्या नाम रखा भाई तुमने, बहुत औसम सा नाम है बे। और जो भी है भाई इतना टारगेट ना किया करो यार, मुझे रोना आता है, देखो वो मुझे ही मारे जा रहा है, और भी तो बंदे आसपास उसको मारो ना, नहीं मारोगे ना, मैं समझ सकता हूँ। ओ भाई हाइग्रेड हिलगर, ओ माई गॉश मुझे लगता ना ये दोनों एक ही बंदे शायद से, जो भी हो आज की बैठक में भाई बहुत मजा आया, तो कैसे लगे तुम लोगों को वीडियो जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, शुक्रिया, थैंक यू।